हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल चैम्बर वंस अगेन। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। अब देखो मैं वीडियो डेली इधर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ट्रांसफर टॉक से रिलेटेड वही सब फालतू धमाका चल रहा है और इस वीडियो में हम फिर जो है वही टॉपिक कवर करने वाले हैं, नीको विलियम्स का, डैनी ओल्मो का और जो है थोड़ा सा माइकल मरीनियो के बारे में बात करेंगे जो कि आर्सेनल होते हुए डन दिख रहा है। ऊपर से साथ ही साथ आपकी जो नेवेस की डील जो है वो मेरे ख्याल से पूरी हियर वी गो जो है फैब्रिजियो का आ गया है तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ा सा कैंसेलो के बारे में बात है। तो ये क्या कहते हैं पूरे इस वीडियो में जो है हम ये टॉपिक्स को जो है कवर करने वाले हैं और मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जो है डैनी ओल्मो और नीको विलियम्स इन दोनों के बारे में इस वीडियो में दे दूंगा। तो वीडियो में अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने ओपिनियंस जो हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना। बाकी जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो नीको विलियम्स से जो है रिलेटेड ये खबर अभी जो है आ रही है, मतलब जितने भी आप सोर्सेज मीडिया से सोर्सेज मीडिया को आप पढ़ेंगे या फिर जितना आप खोजबीन करेंगे नीको विलियम्स से रिलेटेड, सिर्फ एक खबर आ रही है कि नीको विलियम्स इस बार जो है हो सकता है इस सीज़न जो है स्टे कर रहे हैं। अब स्टे करने का मतलब है ये नहीं कि अगर इस साल स्टे कर रहे हैं तो अगले साल भी जो है उनकी सैलरी जो है उतनी ही रहेगी और मतलब रिलीज क्लॉज उतना ही रहेगा और 60 मिलियन में अगले साल जो है बारसा जो है उन्हें जाके उठा सकती है। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीको विलियम्स का जो एजेंट है वो काफ़ी हरामपंती कर रहा है। नीको विलियम्स के एजेंट क्या कर रहा है कि वो जो है पीएसजी जो है थोड़ा सा लिंक हो रही है नीको विलियम्स से, तो अब नीको विलियम्स को जो है वो पीएसजी जो है थोड़ा सा वो प्रेशर बना रहा बारसा के ऊपर कि देखो अगर आपने जो है सही डील एंड ऑल नहीं दिया, अगर मुझे सही कमीशन नहीं दिया तो मैं जो हूँ पीएसजी के साथ जो है नीको विलियम्स की डील डन करा दूंगा और मुझे जो है ज़्यादा कमीशन मिल जाएगा। तो अब ये थोड़े से ज़्यादा पैसे के लिए जो है नीको विलियम्स का जो है प्लेयर जो है हरामखोरी कर रहा है। और नीको विलियम्स को भी भाई ये समझना चाहिए कि बार्सिलोना जैसे क्लब का ऑफर उसको बार बार नहीं मिलेगा लाइफ में, उसको अगर एक बार ये मौका मिला है तो उसको इस पर कैपिटलाइज करना चाहिए। और अगर सही में अगर वो सीरियस है बारसा के प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए या बारसा को ज्वाइन करने के लिए और लमीन यामाल के साथ जो है एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, क्या कहते हैं बारसा के हिस्ट्री बुक में आने के लिए, तो उसको जो है डेफिनेटली जो है पैसे को छोड़ के जो है पैसे का मोह माया छोड़ के जो है उसको बारसा को ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि देखो 60 मिलियन जो है अगर रिलीज क्लॉज पे करने के लिए बारसा तैयार हो रही है, मतलब पैसा रखी हुई है, तो इट मींस कि हाँ बारसा जो है डेफिनेटली जो है ट्राई करेगी नीको विलियम्स के लिए और वो जो है डेफिनेटली उसको साइन करेंगे। अब नीको विलियम्स से रिलेटेड ऐसी खबर आ रही है कि नीको विलियम्स इस नाते अपना कॉन्ट्रैक्ट श्योर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी बारसा के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो जो है उनको रजिस्टर कर पाएंगे नहीं। अब देखो भाई एक क्लब बेवकूफ़ नहीं होता है। अगर एक क्लब अगर आपको साइन करके ला रहा है तो डेफिनेटली उसने कुछ प्लान्स बनाए होंगे कि आपको रजिस्टर एंड ऑल कैसे करना है। तो इसमें जो है जैसे कि अब मैं बात कर लूँ 2021 का जब मेसी वेसी जो है छोड़े थे तो जब लपोर्ता ने जो है लेवेंडोस्की, कुंदे, क्रिश्चनसन, जब इन रफीनिया, जब इन सारे प्लेयर्स को साइन किया था तो उस टाइम भी जो है मीडिया में जो है कि फेक न्यूज़ रन कर रहा था कि जो है इतने प्लेयर्स को लपोर्ता ने साइन कर लिया लेकिन उनका वेज बिल सही नहीं है तो प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। भाई जब क्लब एक साइनिंग करता है ना तो वो पूरा अपने पर्सपेक्टिव लेके चलता है, पूरा अपना एक बैकग्राउंड लेके चलता है कि हाँ अगर हम इस प्लेयर को साइन कर रहे हैं तो हम जो है इसको रजिस्टर कर पाएंगे, वो पूरा प्री प्लान रहता है। तो उसके बारे में आपको सोचने की जो है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो क्लब की दिक्कत है, वो आपको कहीं ना कहीं से रजिस्टर जरूर कर लेगा, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप तो अपना फ्यूचर कमिट करो, आप तो दिखाओ कि हाँ मैं क्लब के लिए जो है एकदम मरा जा रहा हूँ। जैसे कि डैनी ओल्मो, भाई डैनी ओल्मो का डील जो है अब नीको विलियम्स से ज़्यादा डन होते हुए दिख रहा है। और डैनी ओल्मो का अगर मैं डैनी ओल्मो के बारे में अगर अब थोड़ा सा हम बात करें तो देखो डैनी ओल्मो का जो क्लब है आरबी लाइप्ज़िग जो कि बुंडेसलीगा का क्लब है वो जो है राइवल है बायर्न का। अब देखो आरबी लाइप्ज़िग जो है वो अपने क्या कहते हैं बायर्न को छोड़ के जो है वो कहीं भी जो है बेचने को तैयार है डैनी ओल्मो को। और डैनी ओल्मो का रिलीज क्लॉज जो है उन्होंने 50 मिलियन सेट किया हुआ है कि 50 मिलियन हमें तो ऑन द पॉइंट चाहिए, उसके बाद आप जितने जो है एड ऑन क्लॉज दे पाएँ वो दे पाएँ। तो पिछला ऑफर जो बारसा ने जो है सबमिट किया था डैनी ओल्मो के लिए उसको तो जो है रिजेक्ट कर दिया था आरबी लाइप्ज़िग ने, लेकिन अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि एक सेकंड ऑफर जो है वो सबमिट किया गया है डैनी ओल्मो के लिए जो कि बारसा ने किया है पूरा 50 मिलियन यूरो एग्जैक्ट जो है बारसा ने जो है बिड किया है डैनी ओल्मो के लिए। और प्लस एक ऐसी न्यूज़ आ रही है कि प्लस 15 मिलियंस एडऑन्स दिए गए, मतलब टोटल जो है 65 मिलियन का जो है 65 मिलियन जो है
मिलेगा आरबी लेप्सविक को, जिसमें 50 मिलियन उन्हें डायरेक्ट मिलेगा, साथ ही साथ 15 मिलियन जो है एड ऑन होके मिलेगा। और डैनी ऑल्मो जो है भाई ना, डैनी ऑल्मो पूरा कमिट है बारसा आने के लिए, क्योंकि वो एक वर्सेटाइल प्लेयर है। और एक तो पहले से पहली बात यह है कि वो बारसा डीएनए रह चुका है, तो वो ज़्यादा कमिट कर रहा है नीको विलियम से, ज़्यादा मुझे जो है डैनी ऑल्मो कमिट करते हुए दिख रहा है अपना फ्यूचर बार्सिलोना के साथ। और अब देखो, अगर नीको विलियम्स जैसा प्लेयर अगर फ्यूचर कमिट करने को तैयार नहीं है, अगर वो एक सीजन और स्टे कर रहा है, तो एथलेटिक क्लब बिलबाओ जो है इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जो है उसको जो है 60 मिलियन पर ही अगले साल छोड़ेंगे। ये न्यूज़ पूरी कंक्रीट हो चुकी है कि अगर नीको विलियम्स इस बार स्टे करते हैं एथलेटिक क्लब बिलबाओ में, तो डेफिनेटली जो है आपके एथलेटिक क्लब जो है उन्हें एक नया रिन्यूअल ऑफर देंगे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट सीजन उनकी जो है रिलीज क्लॉज जो है वो 100 मिलियन हो जाएगा। भाई बारसा जो है इस क्राइसिस के टाइम पे अगर आपके लिए 60 मिलियन देने को तैयार है, तो आपको दौड़ के जो है बारसा के पास आ जाना चाहिए। और अगर आप स्टे करते हैं और अगर अगले साल जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड कर देते हैं एथलेटिक क्लब बिलबाओ, और अगर आपका रिलीज क्लॉज जो है 100 मिलियन यूरो हो जाता है, तो भाई बारसा जैसा क्लब तो डेफिनेटली जो है नहीं जाने वाला है आपके पीछे अगले साल। तो अगर आपको आना है तो इस सीज़न आइए, वरना डैनी ऑल्मो का जो है आपका रिप्लेसमेंट जो है बारसा खो चुकी है। अब देखो, जॉन एवस की थोड़ी सी बात कर लें, तो जॉन एवस की जो डील है वो डन हो चुकी है, और जॉन एवस जो है बेनिफिका से जो है पीएसजी जो है ज्वाइन करेंगे, हियर वी गो आ चुका है। अब देखो, जॉन एवस की डील जो है इन्होंने फाइनल कर ली है। अब जॉन एवस की डील फाइनल कर ली है, इसका मतलब जो है वो उगाटे के बारे में जो है डिसीजन जो है डेफिनेटली थोड़ा सा डीले करेंगे लेने में, क्योंकि जो है उगाटे के लिए जो है उगाटे को पहले पीएसजी ऐसे प्लान करें कि उगाटे को जो है यूनाइटेड को बेचेंगे, उसके बाद जो है थोड़ा सा पैसे मिलेंगे, उसके बाद जो हम जॉन एवस के लिए और जो है पैसे बढ़ा के उसको लेते आएंगे। लेकिन अब जो है बातें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। अब पहले जॉन एवस का हियर वी गो आ चुका है, तो अब हो सकता है उगाटे का डील जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ थोड़ा सा फंसे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है उगाटे जो है वो निकाल सकती है अभी भी यूनाइटेड, अगर वो अपने जो है कॉन्ट्रैक्ट पे जो है अपने अगर टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है पीएसजी को उतार लेते हैं। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं माइकल मरीनियो के बारे में। अब देखो, माइकल मरीनियो जो है बार्सिलोना से लिंक था, उसका जो स्पेन में जो इस बार का जो टूर्नामेंट गया है यूरोस का, वो काफ़ी शानदार गया है, काफ़ी बढ़िया गया है। और माइकल मरीनियो को जो है बारसा जो है मॉनिटर कर रहा था, लेकिन जो है आर्सेनल जो है इसमें कूद चुकी है, और आर्सेनल ने जो है वर्बल एग्रीमेंट जो है मेरे ख्याल से डन कर लिया, और हमें काफ़ी कुछ दिनों के अंदर ही जो है माइकल मरीनियो का हियर वी गो सून जो है आर्सेनल के लिए देखने को मिल सकता है। और भाई माइकल मरीनियो के आने से ना आर्सेनल को इतना फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो लेफ्ट साइड मिडफील्ड रहती है, क्योंकि देखो राइट साइड जो है आपका ओडेगार्ड और जो है डेक्लन राइस जो है उस साइड से अटैक करते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड आपकी डेड हो जाती है अटैक वाइज, तो मार्टिनेली को जो है उतना सपोर्ट लेफ्ट साइड पर मिलता नहीं है। लेकिन अगर माइकल मरीनियो को ऐसा लेफ्ट मिडफील्डर जो है लेफ्ट हाफ मिडफील्डर जो है अगर वो परचेस कर रहे हैं आर्टेटा, तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है देने वाला है माइकल मरीनियो जैसी साइनिंग। और माइकल मरीनियो जो है वो क्या कहते हैं, काफ़ी मैं कहूँगा एक होता नहीं है आपका सीजन ऑफ द साइनिंग जो है हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर है और वो काफ़ी बढ़िया से जो है आपको परफॉर्म कर सकता है। तो ये तो क्या कहते हैं न्यूज़ था माइकल मरीनियो से रिलेटेड। अब हम अपने लास्ट न्यूज़ को कवर कर लेते हैं, जो कि कैंसेलो से रिलेटेड है। अब देखो, कैंसेलो को जो है सिटी बेचना चाह रही है, और सिटी को जो है 25 मिलियन जो है अपने चाहिए। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि बार्सिलोना ने जो है 7 मिलियन जो है बारसा मैनचेस्टर सिटी को दे रही है उसको जो है इस साइड लोन में लाने के लिए, और साथ ही जो एक मैंडेटरी क्या कहते हैं क्लॉज ऑप्शन कि हाँ अगले साल जो है हम 18 मिलियन देके और उसे जो है डेफिनेटली खरीद लेंगे। तो अब इस क्या कहते हैं ऑफर के बारे में मैनचेस्टर सिटी देखते हैं कितना गौर करती है, कितना क्या करती है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है ये डील काफी सही है। अगर आप 7 मिलियन जो है इस साल दे रहे हैं और उसको एक साल और लोन पे ला रहे हैं, और अगले साल आप उसको मैंडेटरी क्लॉज ऑप्शन के तौर पर क्या कहते हैं आपका 18 मिलियन देकर और खरीद ले रहे हैं, तो इस तरह 25 मिलियन जो है सिटी को मिल भी जा रहे हैं और साथ ही साथ हमारा भी फायदा हो जा रहा है। तो अब देखते हैं कि मैनचेस्टर सिटी इस पर जो है क्या इंस्टेंस करती है। बाकी आपको इस वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने ओपिनियंस जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर।